ये दही देख के समझ में आया होगा हम आज क्या बनाने वाले हैं। और मैं ये पूछती हूँ कि ये जो आज की हमारी डिश है, ये आपके घर में हफ्ते में, महीने में कितने बार आप बनाते हैं, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके लिखिएगा। तो आज हम बनाने वाले हैं कढ़ी। शाम के टाइम में क्या बनाना है क्या नहीं, फटाफट बनने वाली कढ़ी और चावल, ये एक ऐसी आसान डिश है, घर के हर एक फैमिली मेम्बर को अच्छी लगती है। आप तीखी खिचड़ी भी बना सकते हैं और चावल के साथ भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो आज की ये कढ़ी जो है, ये मेरी तरीके से मैं कैसे कढ़ी बनाती हूँ, एकदम आसान सी ये कढ़ी है, बेसिक कढ़ी, कोई भी ये बना सकता है और ये कढ़ी आपकी कभी ये फेल नहीं होगी। ये ऐसी हम कढ़ी बनाने वाले हैं। तो कढ़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ये दो कटोरी मैंने यहाँ पे दही लिया है और ये दही जो है एकदम ये ऐसा गाढ़ा दही है। और कढ़ी को बाइंडिंग देने के लिए यहाँ पे बेसन का आटा लिया है, ये ऐसे एक बड़ा चम्मच है। ये दो कटोरी हमने दही लिया है तो ये चार बड़े चम्मच ये बेसन का आटा है। तो चलो अभी हम कढ़ी बनाने की शुरुआत करते हैं। तो कढ़ी बनाने के लिए हम दही को एक मिक्सिंग बोल में डाल देंगे। अभी दही में जो है ये अदरक लिया है, एक आधा टुकड़ा ये अदरक को ऐसे ग्रेट कर लिया है, कद्दूकस कर लिया है। ये अदरक को इसमें हम इसमें कच्चा ही डालना है। और ये जो बेसन हमने दिया है, बेसन को हम इसमें डाल देंगे। और दही की कटोरी थी उसमें पानी डाला है, पानी डाल के इसको अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। थोड़ा इसमें और हम पानी डाल देंगे। और ये देखिए ये कढ़ी बनाने के लिए हमारा दही का घोल, बेसन दही और अदरक का घोल रेडी हो गया है। अभी कढ़ी बनाने को लेते हैं। एक टोप लिया है, भगोना लिया है, उसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और तेल को हम अच्छी तरह से गर्म होने को रख देंगे। अभी तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम अभी थोड़ा सा राई डाल देंगे। राय तड़कने के बाद इसमें चार पांच हम लौंग डालेंगे। लौंग के बाद ये आधा चम्मच मेथा है, इससे कढ़ी को अच्छी टेस्ट आती है। मेथा पकने के बाद इसमें ये छोटी बेर वाली जो मिर्ची रहती है वो डाल देंगे। इसके बगैर कढ़ी इनकम्प्लीट है, इजी है। ये थोड़ा सा ज़्यादा डाल रहे हैं हम, और ये हल्दी पाउडर मिक्स कर लेंगे। और जो हमने दही का घोल बनाया था वो हम इसमें डाल देंगे।
और ये मिक्सिंग बोल में जो दही बचा था उसमें पानी डाला है, ये पानी भी हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये अभी इतना गाढ़ा है, इसमें अभी हम 2 ग्लास पानी डाल देंगे। कढ़ी को कितना अपने को कंसिस्टेंसी चाहिए उसके हिसाब से पानी डाल देना है, क्योंकि हमने इसमें बेसन डाला है तो धीरे धीरे ये गाढ़ा होते जाएगा। अभी इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक, जैसे दही है दही के खटास के ऊपर उसके हिसाब से हमें इसमें नमक डालना है और अच्छी तरीके से हमें इन सब चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है। और कढ़ी को अच्छी तरह से हम उबाल आने देंगे और कढ़ी बनाते वक्त हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि उबालते वक्त ये सब ऊपर आ जाती है, इसलिए इसे कम गैस पे इसको हमें उबाल के इसको पका लेना है। और कढ़ी के साथ जो चावल मैं बनाती हूँ हमेशा कुकर में ही बनाती हूँ, एकदम सॉफ्ट चावल बनते हैं और कढ़ी के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी और यमी और मज़ा आता है। और चावल हमेशा भिगो के रखती हूँ मैं पकाने से पहले, और यहाँ पे मैंने ये इंद्रायणी का चावल इस्तेमाल किया है। और जो पानी में हमने भिगो के रखा था वही पानी हम इसमें पकाते वक्त डाल देंगे और कुकर में अभी हम चावल को पका लेंगे। ये देखिए कढ़ी अभी हमारी ये उबलने लगी है और कढ़ी हमारी तैयार हो गई है। कैसे हमें समझना है, हमने जो बेसन इसमें डाला है तो ये भगोने के साइड को ये ऐसा ये चिपक जाता है ये बेसन जो है, ये तो ये साइन है, हमें समझ लेना है कि हमारी कढ़ी जो है ये पक चुकी है। अभी इसमें हमें अभी 1/2 टीस्पून शक्कर डाली है और 1/2 टीस्पून इसमें हमें अभी घी डाल देना है। ये खट्टा मीठा ये टेस्ट आता है कढ़ी को, और ये हमारी कढ़ी जो है ये तैयार हो गई है। फ्रेंड्स हमारा चावल भी रेडी है गर्मा गर्म और हमारी कढ़ी भी रेडी है। एंजॉय कीजिए कढ़ी चावल। और ऊपर से ये गर्मा गर्म घी एकदम यमी डिलीशियस। कढ़ी चावल ये हमारी रेडी है एकदम फटाफट आसानी से बनने वाली ये रेसिपी है। ये देखिए फ्रेंड्स ये यमी टेस्टी गर्मा गर्म कढ़ी चावल तरी है। आप भी ये कढ़ी चावल ये मेरे तरीके से बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी ये कढ़ी बनती है, कभी भी ये कढ़ी फेल होती नहीं है। फ्रेंड्स ये आज की मेरी रेसिपी आपको कैसे लगी ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।